नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में लग सकती है याचिका। पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा, कोर्ट जाने सबको है अधिकार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका लग सकती है, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इधर याचिका लगाए जाने की तैयारी पर स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, प्रत्यक्ष चुनाव में कोई व्यवधान नहीं है, पहले भी यही व्यवस्था थी, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते रहे हैं, सरकार इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं आने देगी और जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है उसी के तहत तो चुनाव होगा। वहीं धान खरीदी के परिपत्र पर सिंहदेव ने कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है, किसानों को 2500 रुपए सरकार देगी, यह प्रक्रिया बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है, धोखा देने की बात कहने वालों ने 15 साल धोखा दिया है। दरअसल जब से सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने का फैसला लिया है तब से अलग अलग जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने इसके विरोध स्वरूप राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अगर इस मामले में याचिका लगती है तो आगे क्या होता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा।